ये हैं भगवान मद्महेश्वर, हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित यह मंदिर समुद्र तल से 3,290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप इसके सौंदर्य को देख सकते हैं। माना जाता है कि इसे पांडवों के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बहुत से दुर्गम पड़ाव से होकर गुजर के सच्ची श्रद्धा के साथ भक्त यहाँ इस देव स्थल में भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के रास्ते से होकर श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुंच पाते हैं। ये भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं की सच्ची श्रद्धा ही है जो कई किलोमीटर के दुर्गम पड़ाव के बाद इस देव स्थल के दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में पहुंचने के बाद ये आपको बुग्याल दिखाई दे रहा होगा जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस बुग्याल में एक छोटा सा मंदिर है जिसे बूढ़ा मद्महेश्वर कहा जाता है। ये है बूढ़ा मद्महेश्वर। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने किलोमीटर तक ये बुग्याल इस देव स्थल की शोभा को पर 4 चांद लगा रहे हैं। और हिमालय में बर्फ से लदी पहाड़ियां तो जैसे भगवान शिव पर सोने के मुकुट जैसी चमक पैदा कर रही है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या व अपने भाइयों की हत्या का दुख सताने लगा था। इसके प्रायश्चित के लिए वे भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण द्वारा समझाने पर भी उन्होंने प्रायश्चित करने की हट नहीं छोड़ी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वेद व्यास जी के पास जाने को कहा। वेद व्यास जी ने उन्हें हिमालय क्षेत्र जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। बहुत समय हिमालय में भ्रमण के पश्चात जब वे एक स्थान पर आकर कुछ दिन भगवान शिव की स्तुति करने लगे तब उनकी नजर एक विशाल काय बैल पर पड़ी। माना जाता है कि बैल रूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, लेकिन गोत्र हत्या की दोषी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, परंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और वे बैल का पीछा करने लगे। भीम ने बैल की पूंछ अपने हाथों में पकड़ ली जो कि आज धाम केदारनाथ के रूप में विद्यमान हुआ। बैल का अग्रभाग हिमालय क्षेत्र में स्थित नेपाल में निकला जो कि पशुपति नाम से प्रसिद्ध है और आस्था का केंद्र है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मिली व नाभि इसी क्षेत्र, इसी पवित्र धाम मद्महेश्वर में मिली, जबकि मुख रुद्रनाथ में निकला। इसीलिए उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि इन पंच केदारों के दर्शन कर ही हम साक्षात पूर्ण रूप से भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं।